हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जीमेल आईडी कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो भी आप मोबाइल से कैसे बना सकते हो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए वीडियोज की तरफ ले चलते हैं कि आपको कैसे बनाना है। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि आपको मेल आईडी यानी जीमेल आईडी कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है जीमेल, आप जीमेल प्रेस कीजिए। जीमेल प्रेस करने के बाद आपको ऊपर अपने लोगो दिखाई, यहाँ पे प्रेस करें, यहाँ पे प्रेस कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है, चलिए हम प्रेस कर दिए हैं। यहाँ पे प्रेस करना, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लिखा है ऐड अनदर अकाउंट, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है गूगल, तो गूगल पे आपको प्रेस करना है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रेस करने के बाद ऐसा आपको यहाँ पे प्रेस करने आपको यहाँ पे लॉक मांगा, ठीक है, यानी मैं लॉक दे दिया हूँ। अंधेरा कुछ देर के लिए दिखाई दिया होगा बट अभी ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको नीचे लिखता है ईमेल और फोन, लेकिन आपको यहाँ क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है और आपको एक नया जीमेल आईडी क्रिएट करना है ना। यहाँ पे प्रेस कीजिए, यहाँ पे हम प्रेस करके इसका ऑप्शन यहाँ पे खुलता है फॉर माय पर्सनल यूज और बिजनेस के लिए। तो आप जिसके लिए यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमको ख्याल से लगता है आप पर्सनल ही है, कोई बिजनेस मैन तो होंगे नहीं, बट कोई नहीं, आप जो भी है कर सकते हैं। यहाँ पे हम पर्सनल पे मार देते हैं। पर्सनल पे मार देने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा और ऐसा खुलेगा। आपको फर्स्ट नाम पूछेगा तो फर्स्ट नाम कुछ भी तो डाल दे, मेरा नाम चंदन है तो मैं चंदन अपना डाल देता हूँ, चंदन, और नीचे KUM चंदन कुमार डाल के ओके मार, नेक्स्ट मार देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो 1/2/2004 मेल कर देता हूँ, ठीक है। आप उसके बाद जो है से नीचे नेक्स्ट मार देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है नेक्स्ट, देखिए ये नेक्स्ट पे आप मार दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम मार देते हैं, नेक्स्ट पर हम मार दिए। मार देने के बाद यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन आपको यूज मोबाइल करना है या फिर कोई देना है, तो आप यूज मोबाइल जो ऑप्शन खुला हुआ है इस पे आप मार दे, क्योंकि आप मोबाइल में ही यूज कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप मार दीजिए, ठीक है। यूज मोबाइल पे मार दे, यूज मोबाइल पे मार देने के बाद नीचे लिखा हुआ है येस योर नंबर और बगल में लिखा है येस यूज जीमेल। आप नंबर देना चाहते हैं तो नंबर तो देना ही पड़ेगा, तो ये नंबर है, आप यहाँ पर क्लिक करिए, चाहे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए बगल में जो दिखा हुआ है यूज जीमेल इस पर है, तो फिलहाल मैं यूज जीमेल है उस पर प्रेस कर देता हूँ। आप भी यहाँ प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आप यूज जीमेल प्रेस कीजिए, यहाँ प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ प्रेस करते, यहाँ प्रेस करने के बाद ऐसा ही इंटरफेस फेल आ जाता है, तो आपको फिर आ जाता है, तो आपको फिर यहाँ यूज मोबाइल लिखा हुआ है यहाँ पे फिर से प्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ प्रेस कीजिए और यहाँ प्रेस करके बाद नीचे ये नंबर यूज नंबर है, यहाँ प्रेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तो चलिए यहाँ प्रेस कर देते हैं। यहाँ प्रेस करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो 2 मिनट के लिए ऐसा होगा कि अपने सर्च ले रहा है, ठीक है। सर्च लेने के बाद बस 1 मिनट में हो जाता है, ये बस होने ही वाला है। और ये हो जाने के बाद आपको आगे का बात बताते हैं, बट ये हो जाए, एक मिनट रुक जाइए, ये हो रहा है। अगर आप स्किप कीजिएगा तो शायद बैक करके फिर से देखना पड़ सकता है। चलिए ये हो रहा है, आगे देखते हैं, और अभी तक तो हुआ नहीं है। दिस विल टेक, हाँ हो गया, देखिए दोस्तों हो गया। ये मेरा मोबाइल नंबर रहा, ठीक है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, उसका नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मांग रहा है, ये नेक्स्ट ऑप्शन मार देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन मार दे, नेक्स्ट ऑप्शन मार देने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस खुल गया है। इसमें से हम क्या करना चाहते हैं वो कर देंगे। नीचे लिखा हुआ क्रिएट कंटेंट न्यू अकाउंट है, तो न्यू अकाउंट पे हम प्रेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए न्यू अकाउंट पर प्रेस कर दिया है ना, इस पर हम प्रेस कर देते हैं, इसे प्रेस कर दिए। उसके बाद स्क्रॉल के नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम डायरेक्ट इसको एग्री करेंगे, ठीक है। हर जगह से इसको हम एग्री करेंगे, ये एग्री का ऑप्शन रहा, इसको हम एग्री करेंगे, इस प्रेस कर दी है, इसे प्रेस कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड मांगे तो हम कुछ भी पासवर्ड एसएसएस करके कुछ भी डाल देते हैं, और बगल में नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसको हम फिर से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट का ऑप्शन ये रहा, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट कर देने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मांगेगा ऐसा आने के बाद। चलिए इसको हम फिर से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे प्रेस कर दिए, आपको दिखाई नहीं देता होगा, ये नेक्स्ट रहा, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर दिए। उसके बाद ऐसा फिर आ जाएगा इंटरफेस, तो हमको स्क्रॉल करना है, इसको स्क्रॉल कर फिर नीचे एग्री का ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। तो इसको हमको फिर से एग्री करना होगा, इसको यहाँ है, इसको एग्री करते हैं, एग्री पर मार दिए, ओके। एग्री पर हो जाने के बाद ये है जे अपने रीलोड लेगा, ठीक है। रीलोड लेने के बाद आपको हम सारा बात बताएंगे जे अभी तक ये बना है या नहीं बना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, समझ नहीं आएगा तो आपको ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो थोड़ा देर दे दीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत होगा ही नहीं। तो देखिए आगे का प्रोसेस ये खुल गया है, और खुलने तक 1 मिनट वेट कीजिए, कैसा इंटरफेस आएगा आप देख के जाइएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप हमारे चैनल को चेक कीजिए ना, मैं हमेशा मोबाइल में यूज होने वाला बात ही हमेशा बताता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बताता हूँ। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं बहुत चीज मोबाइल के बारे में सीखते रहेंगे। तो देखिए ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ गया था, सो आप देख ही लिए। आपको फिर से यहाँ आइकन पर प्रेस करूँगा, ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर प्रेस कीजिए और सबसे नीचे नीचे आपको क्या ना यहाँ प्रेस करना, सबसे नीचे जो मेरा बना है जिसके नीचे ये मेरा ईमेल आईडी बना है, ठीक है, ये सब मेरा ईमेल आईडी बना है, ये बना है, तो ईमेल आईडी बन गया, इस पर मैं क्लिक करके अपना लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।